विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोलकाता को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी पोएम्स और कोलकाता की बहुत सारी डिशेस। जब भी हम कोलकाता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ का खाना ज़रूर से याद आता है। वहाँ की डिशेस, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत ही फेमस है। कोलकाता में ट्राम, जो कि आपने सुना होगा, ट्रेन जो कि रोड पर चलती है, सबसे पहले कोलकाता में आई थी। मेट्रो सर्विस जो कि आज बहुत सारी सिटीज़ में चलती हैं, लेकिन आई सबसे पहले कोलकाता में थी। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय। तो आज कोलकाता की ही एक रेसिपी लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने गार्गीज किचन में। वेलकम यू ऑल। आई एम श्योर आप लोगों को ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और इसे लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आज मेरे साथ गोपा है, ज्ञानवियर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। हेलो गोपा। हेलो। सो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप आज कोलकाता की एक बहुत ही फेमस डिश चिकन कोबिराजी के बारे में हमें बताने वाले हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुकी हैं। सो गोपा, आप आज चिकन कोबिराजी हमारे को बनाना सिखाने वाली हैं, तो आप मुझे बताएंगे आप क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हैं, कैसे उसको बनाने वाली हैं? बेसिकली चिकन कोबिराजी जो वर्ड आया है, ये आया है ब्रिटिश पीरियड था जिस टाइम पे, वहाँ से आया है ये कवरेज वर्ड से आया है कोबिराजी। ओके ओके। तो ये बेसिकली यूज जो होता है इसमें चिकन का पार्ट, हम लोग लेते हैं इसमें चिकन का ब्रेस्ट पार्ट जो कि बोनलेस होता है, राइट, फिले निकाल लेते हैं, देन इसको यूज़ में लेते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है लेमन, जो हमारे पास ये रहा। ओके। लेमन कर्ड और हमने कोरिएंडर और मिंट का एक पेस्ट बनाया है, ये है, और सॉल्ट है और वाइट पेपर है, और हमने जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली का एक पेस्ट बना लिया। ओके। उसके बाद मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा है, क्योंकि इसको मैरिनेट करके एक घंटा से दो घंटा तक रखना पड़ता है, जिसलिए मैंने मैरिनेट करके रखा है। तो ठीक है, आपने वो मैरिनेट करके रखा है, लेकिन इनिशियली अगर मुझे मैरिनेट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले हम लोगों को लेमन ऐड करना है। ओके। उसके बाद सॉल्ट, वाइट पेपर, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन कर्ड, और उसके लास्ट में हम लोग को ऐड करना है कोरिएंडर एंड मिंट की जो पेस्ट हमने बना के रखे। ओके। और उसको अच्छे से मिक्स करके हमें दो घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो आप एक घंटे के लिए रख सकते हो, अदरवाइज अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है तो मिनिमम आपको दो घंटा रखना पड़ेगा। ओके फाइन। तो ये हम इसको साइड में कर देते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिनेट करके रख चुकी हैं। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन को, अब आगे क्या? आगे इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ओके। कोट करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मली इसको एग वॉश के अंदर दे देते हैं तो इसमें जितने भी मसाले लगे हुए हैं वो छोड़ देगा, राइट। तो जिसलिए हम लोग हल्का सा डस्टिंग करने के लिए यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा जो है उसको इसको निकाल देंगे। ओके। ये तुमने इसमें क्या यूज़ किया बेसिकली, एग वाइट और एग येलो? मैंने इसमें दोनों ही डाल लिया है। अच्छा। होल एग को मैंने इसमें डाला, अच्छे से बीट कर लिया। सॉल्ट, हाँ सॉल्ट डाला है, देन वाइट पेपर डाला है, देन बीट कर लिया है उसको। ओके। अब इसमें इसको डिप करूँ, अच्छे से डिप कर लिया। और अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। हाँ, इसको कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ओके फाइन। ये ध्यान देना है कि अच्छे से कवर हो जाए, नहीं तो इसमें जो क्रंचीनेस आता है और जो टेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा। अच्छा, जैसे ये तो तुम चिकन के साथ बना रही हो, लेकिन ये फिश के साथ भी बनता है? बिल्कुल। ये फिश और फिले निकाल, राइट, देन उसको सेम प्रोसेस में कर सकते हो, लेकिन उसका कुकिंग टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मीडियम रखना पड़ेगा और साथ में हम लोगों को कम टाइम के लिए कुक करना है, राइट। और दोबारा से मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ ताकि क्रंचीनेस हम लोग को ज़्यादा मिले। अच्छा, ब्रेड क्रम में वापस लगाने के बाद इसको वापस से तुम एग के इसमें कोटिंग में वापस कोट कर रहे हो, और वापस से उसको हम ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, क्रंचीनेस जो होता है बहुत अच्छा आता है। ओके। अब मैंने गैस पे ऑलरेडी तेल चढ़ा दिया है, तो इसको मैं फ्राई करूँगी। ओके। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम में ही। अच्छा, फ्लेम हमें कम ही रखनी है? हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक तुम्हारा तेल जो तुमने गरम करने के लिए रखा था वो गरम हो चुका है, उसमें तुम्हारा बहुत अच्छे से तुम ये फ्राई भी हो गया है। इसमें निकाल लूँगी इसके साथ ही।
बाद इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा कम कर देना, मीडियम हाई पे रखना है, जिससे तेल क्या तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए और हमारा जो ये प्रिपरेशन है वो जल नहीं जाए, क्योंकि इसको एक बार और हम लोग फ्राई करने वाले हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई हम लोग ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो तुम कोलकाता में कहाँ पे रहने वाली हो? मैम राजरहाट। राजरहाट, ओके, आई हर्ड द नेम, मतलब काफ़ी फेमस जगह है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये दमदम के पास में आता है, दमदम एयरपोर्ट के पास में आता है, राइट, वहाँ से 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं लास्ट ईयर ही गई थी कोलकाता एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए, सो आई गॉट टू विजिट मेनी प्लेसेस जो लाइक बचपन में जाते थे तब वो एक अलग टाइम होता था, अब बड़े होने के बाद आई बीन देयर और बहुत नई नई चीज़ें देखी मैंने, बहुत सारी शॉपिंग करी थी। अब नया एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जो इको पार्क के सामने ही है, वो हैंगिंग रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत रिजनेबल प्राइस में, मतलब 100 रुपीज़ के अंदर आप कुछ भी खाना खा सकते हो, ओके, ज़्यादा ऊपर कुछ है नहीं। ये हो चुका है या अभी और टाइम लगेगा इसको? 2 मिनट बस, बस 2 मिनट, ओके। अब ये हो जाने के बाद हम लोग एक बार और इसको एग वॉश में करेंगे। अच्छा, एक बार फ्राई हो जाने के बाद इसको तुम एक बार दोबारा एग वॉश में डालोगे और फिर वापस से इसको फ्राई करोगे? अदरवाइज एक ऑप्शन और एक है, जो इमिडिएटली घर पे खाना बनाना चाहते हैं, इसको ठंडा करने के लिए टाइम नहीं है उन लोगों के पास, तो वो ये कर सकते हैं कि एग का एक जाला बनाऊंगी मैं इसके बाद, तो वो जाला बना के उसमें एग का कोटिंग लगा के तुरंत उसको फ्राई कर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ मुझे बताओ कि लाइक ये तो एक आपका स्टार्टर हो गया, तो इसको किस चीज़ के साथ में सर्व कर सकते हैं? इसको सर्व तो आप नॉर्मली सॉसेस के साथ ही कर सकते हो, मैंने मिंट का सॉस रखा है, अदरवाइज हमारे कोलकाता में जो फेमस है वो है आपका काशुंदी बोलते हैं, राइट, मस्टर्ड, दैट्स अ मस्टर्ड सॉस। यस, ये हमारा कोबिराजी का जो मेन पार्ट, ये हाँ, ये हम लोग का रेडी है। ओके, इसके बाद हम लोग एग का जो कोट करके झाला बनाएंगे वो बना लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, ओके, देन हम लोग झाला बनाएंगे। ऑयल को प्रॉपर पूरा गरम कर लेना है, प्रॉपर गरम करने के बाद इसका वॉल्यूम थोड़ा, मतलब फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये जले ना, ओके, अगर जल जाएगा तो ब्राउन कलर हो जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका टेस्ट में भी डिफरेंस आएगा। ओके, ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट ये जो करते हैं या फिर देख के करेंगे वो बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा देखने के बाद ही। इसको उंगली में ऐसे उठाना है और उसको ऐसे तेल में छोड़ना है धीरे धीरे, ओके, पूरा कढ़ाई को कवर करना है इससे, तो ये तो बिखर जाएंगे ना, ये तो हाँ बिखर जाएंगे बट बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग एग के अंदर फिर से डिप करेंगे। ओके, अच्छा इसी के अंदर छोड़ दोगी अब इसे? हाँ, ओके, इसका ओवर इसको ध्यान से छोड़ना है ताकि ये तेल जो है अंदर तक ना जाए। ओके, हमें 2 स्पैचुला लेना है, ओके, उसको कवर करने के लिए, कवर करने के लिए, ओके फाइन, धीरे धीरे से कवर करना है क्योंकि तेल हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। हाँ हाँ, राइट, ऊपर से थोड़ा सा और दे देंगे, जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए, इस वजह से हम ऊपर से भी देंगे, तो इसको एक बार और। So it's done. So I'll give you the plate. इस पे हमारी ये पूरी कंप्लीट रेसिपी तैयार हो चुकी है, चिकन कोबिराजी, और
फाइनली बन चुका है हमारा चिकन कोबिराजी। बहुत ही सुंदर प्रिपरेशन करी है तुमने और बहुत ही अच्छे से प्लेटिंग करी है, एंड आई एम श्योर ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होगा। आई एम रियली डाइंग टू टेस्ट इट। लेट्स हैव द बाइट ऑफ इट। वेरी नाइस। मसाले बिल्कुल सटल हैं। नमक, मिर्च तो आई थिंक वो ग्रीन चिली का जो तुमने पेस्ट यूज़ करा था सिर्फ वही है। सो इट्स द परफेक्ट स्टार्टर। आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करिए, इसको ज़रूर से बनाइए और प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। आई एम श्योर आप लोगों को गार्गीज किचन के ब्लॉग्स, वीडियोस, फूड स्टोरीज ज़रूर से पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के साथ साथ में और भी आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकता है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच गोपा मुझे एक इतनी अच्छी रेसिपी बना करके खिलाने के लिए और वापस से कोलकाता की यादों को ताज़ा करने के लिए। थैंक यू। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ फिनिश करते हैं और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।